स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने लास्ट क्लास में जो जेनेटिक्स पढ़ी थी उसमें हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, उसमें हमने कुछ म्यूटेशंस पढ़ा था, उसके बाद हमने कुछ उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोमोसोम देखा था, जो कि हमें हमारे क्रोमोसोम के पैटर्न्स पर ही हम उसको डिटरमाइन कर रहे थे कि हमारा मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, उसी के बिहाफ पर हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक डिसऑर्डर। अभी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो हमारे जीन्स में ही क्या होती हैं, कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं या कुछ ऐसे अल्टरनेशंस, या हम बोल सकते हैं कि म्यूटेशंस इन अ सिंगल जीन्स, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। अब वो हमारा टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड वन इज हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब हम इसको बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में पढ़ते हैं, किस तरीके से कि पहले तो बच्चों को यह नहीं मालूम होता कि हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे सिंपल सा डिफरेंस यही है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होगा वो हमारा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब मेंडल्स क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं कि जो भी कोई भी कैरेक्टर्स, चाहे वो डिसीज हो, चाहे डिसीज इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव हमारे वे में आ गए, अब कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हुए हैं, तो वो कैसे हमारे पॉजिटिव हैं, बट वो क्या हो रहे हैं, हमारे इनहेरिटेंस है यानी इनहेरिटेड, तो वही कैरेक्टर्स हमारे इनहेरिटेड हैं। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर की। ठीक है, तो वो हमारा कैसा हो गया, इनहेरिटेड, जो कि एक डिसीज के फॉर्म में है। बट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ना, ये क्या है हमारा, नॉट इनहेरिटेड। ये कैसा हो जाएगा, नॉट इनहेरिटेड, ये हमारा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज अगर ये हमारा F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में यहाँ पे जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी इन द सेंस यहाँ पे सपोज ऐसे ऐसे मानो कि यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, ठीक है, इसमें पेरेंट्स होंगे, अब जब यहाँ पे इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा या क्रॉसिंग होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा F2 जनरेशन बनेगा। तो जब F2 जनरेशन में यानी न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है, क्या हुआ है, न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन, तो मे बी अगर कोई डिसऑर्डर यहाँ पर नहीं है तो हो सकता है वो सेकेंड जनरेशन में हमारा आ जाए, तो वो हम उसको क्या बोल देंगे कि नॉट अ इनहेरिटेड। अब F2 में है, अब मे नॉट भी वो हमारा F3 में जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि F3 में जाएगा ही, अगर जाएगा तो आपका इनहेरिटेड, अगर नहीं जा रहा तो दैट मीन्स नॉट इनहेरिटेड। अब हम इसमें देख लेते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज ऑटोसोमल रेसेसिव, सेकेंड इज एक्स लिंक्ड, ऐसे लिंक्ड रेसेसिव बोलते हैं इसको, या फिर आप सेक्स लिंक्ड रेसेसिव कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। जो ऑटोसोमल रेसेसिव, अच्छा अब ये जो हमारे होते हैं ये डोमिनेंट भी आ सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। कैसे, डोमिनेंट का मतलब वो कोई भी ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को क्या कर सकता है, इजीली से एक्सप्रेस कर सकता है, वो हमारा डोमिनेंस फॉर्म में आ गया। अगर रेसेसिव की बात करेंगे तो रेसेसिव मतलब मे बी अगर जैसे सपोज ये पेरेंट्स हो गए, यहाँ पे न्यू प्रोजेनी आई है F2, यानी ये हमारी कौन सी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन, ये न्यू प्रोजेनी है, ठीक है। अब इसकी, अब ये यहाँ पे अपनी एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेगी, न्यू प्रोजेनी, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा F3 जनरेशन। तो हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे या फिर कुछ डिसीज यहाँ पर हमारी हो, बट यहाँ पे कैसी हो, रेसेसिव हो। लेकिन अब रेसेसिव कैसे हो सकती हैं, हो सकता है एनवायरमेंट कंडीशंस ऐसी हो सकता है वो जीन वहाँ पे उस समय से शो ना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे देखते हैं, एज अ रेसेसिव फॉर्म में। बट यहाँ पे हो सकता है वो क्या हो जाए, डोमिनेंट हो जाए। तो ये हमारा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो क्या बताता है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव, यानी हमारे जो पॉजिटिव इन द सेंस जो डोमिनेंसी है जो शो कर सकते हैं वो भी हैं और रेसेसिव के भी हैं। तो आप इसमें ध्यान रखना, इसमें हमारी सिकल सेल एनीमिया होती है एक, ठीक है, सेकंड इज फिनाइल क्यूटेनेरिया, इसको अभी हम सिंगल सिंगल अलग अलग करके आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद एक आती है हमारी सेक्स लिंक रेसेसिव, इसको आप यहाँ पे एक्स लिंक भी बोल सकते हो, एक्स लिंक रेसेसिव। इसमें आती है आपकी हीमोफीलिया और ये आती है आपकी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड होंगे और ये ऑटोसोमल रेसेसिव होंगे। उसके बाद क्रोमोसोमल, मतलब अब क्रोमोसोमल में क्या होगा, नंबर मतलब चेंजमेंट आ जाएगा,
या म्यूटेशन हो जाएगी, किसमें? अल्टरेशंस ऑफ द क्रोमोसोमल, यानी अरेंजमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोमल में कुछ चेंजमेंट हो सकती है क्रोमोसोम। जैसे सपोज हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, तो 46 में भी मे बी वो 45 क्रोमोसोम भी हो जाए, मे बी वो 47 क्रोमोसोम भी हो जाए। अब हम क्या देख रहे हैं, ये एक्सेस भी हो गया और डिलीट भी, मतलब कम भी हो गए, लैक ऑफ क्रोमोसोम भी हो गए और इंक्रीज यानी क्रोमोसोम की जो नंबर्स है वो क्या हो गए, बढ़ भी गए। ठीक है, तो ये हमारा किसमें आएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। तो अब हम इसमें आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में फर्स्ट देखते हैं अपना सिकल सेल एनीमिया। अब हम इसमें अपने जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हमारा कैसा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ये हमारा किसमें होता है, मतलब से म्यूटेशंस आ जाती है हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड में होता है, जो कि इसी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें हमारी क्या होती है, कुछ बीटा चेन होती हैं, क्या होती हैं, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन की। तो बीटा चेन में हमारी कुछ पोजिशंस होती हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है कहाँ पे, 6 पोजिशंस पे, जो हमारा ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 6 पोजीशन पे ही, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा वेलिन में। ठीक है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज और द ट्रांसमिशंस ऑफ द जो जीन्स का ट्रांसमिशंस हो रहा है या चेंजमेंट आ रहा है कहाँ से, पेरेंट्स टू इट्स प्रोजेनी में। ठीक है, तो उसी का क्या हो जा रहा है, चेंजमेंट ग्लूटामिक एसिड का वेलिन में। इसमें हमारा क्या है कि एक हम यहाँ पे पहले कुछ प्रोटीन्स, मतलब कुछ प्रोटीन होती है हमारी, हमें पता है हमारी ब्लड में हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन में कुछ इस पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं ऑफ द कैस्केड प्रोटीन, किसके, कैस्केड प्रोटीन के। तो जो कैस्केड प्रोटीन होते हैं उसमें ये क्या करता है, इन्वॉल्व होता है इन द क्लॉटिंग के लिए, इन्वॉल्व फॉर द क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉट, जैसे सपोज कुछ हमारे फाइब्रिनोजन, कुछ ऐसे एंजाइम या कुछ ऐसे हमारी प्रोटीन्स होती हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड क्या हो पाता है, क्लॉट हो पाता है। अगर किसी पर्सन को एक्यूट एनीमिया है, किसी पर्सन को क्या है हमारी, एक्यूट एनीमिया, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी डेथ कॉज हो सकती है अगर उसमें यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, इसमें हमारा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, कैस्केड प्रोटीन, जिसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, क्लॉटिंग के लिए, एक ब्लड ब्लड में काम करता है ये। उसके बाद इसमें हम यहाँ पे देखते हैं इसकी अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप इसकी देखेंगे तो जैसे सपोज ये हीमोग्लोबिन हो गया, ये अगर हीमोग्लोबिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारा कैसा है, ए, मतलब दोनों में ही ए ए है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन पे हमारा ए है और एस, इस ए और एस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जीनोटाइप है, इस ए का मतलब तो यहाँ पे अपसेंट और इसका मतलब, एस का मतलब एक सिकल सेल है यहाँ पे, तो ये कैसी हो जाएंगी यहाँ पे हमारी, कैरियर। ठीक, उसके बाद एक हमारा हीमोग्लोबिन इस तरीके से, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एस और एस, तो यहाँ पे हमारी कैसी हो जाएंगी, सिकल शेप की हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, सिकल शेप की। अब आपने इसमें जीनोटाइप देख लिया, अब आपने यहाँ पे इसमें कन्वर्जन देख लिया, इस बट इसमें अभी ये देखिए कि इसको हमने सिकल सेल बोला क्यों, मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, जब उसमें कन्वर्जन होता है किसका, ग्लूटामिक एसिड का, वेलाइन वाले रीजन में, तो जो हमारी आरबीसी कहाँ पे होंगी, ब्लड में होंगी, जो कि किस शेप की होती है हमारी, बाइकॉनकेव शेप की होती है, जो कन्वर्ट हो जाती हैं जब हमारा सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिकल शेप में। जैसे कि हमारी बाइकॉनकेव शेप हो गई, बाइकॉनकेव शेप, और ये सिकल शेप की हमारी इस तरीके से इसकी ऐसी शेप हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, सिकल सेल अनीमिया, जो कि एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। इसी में हम आगे अब क्या पढ़ेंगे, अपना फिनाइलक्यूटोनेरिया। फिनाइलक्यूटोनेरिया में क्या होता है, कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, फिनाइलक्यूटोनेरिया भी हमारा क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। इसमें हमारा फिनाइल
एनालिन, फिनाइल एलानिन जो है हमारा एक क्या है, एक असेंशियल अमाइनो एसिड है, असेंशियल अमाइनो एसिड जो कि क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनाइल एलानिन है टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, टायरोसिन में। ये हमारा क्या है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। ये फिनाइल एलानिन इसके मतलब सोर्सेज क्या है, ये हमें मिलता कहां से है, एक तो हमें डाइट्री प्रोटीन से मिलता है, मतलब जो डायरी प्रोटीन्स होती हैं, डायट्री प्रोटीन्स मतलब इन द सेंस जो हम जैसे दूध घी दही मट्ठा वगैरह लेते हैं, वहां से हमें इस प्रोटीन का मतलब नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का हमें इनटेक हो जाता है, ठीक है, डायट्री प्रोटीन। कुछ टिश्यूज प्रोटीन होते हैं, टिश्यूज प्रोटीन मीन्स हमारी बॉडी खुद भी कुछ अमाउंट में हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करती है। तो ये सिंपल सी बात है कि फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन हो गया टायरोसिन में, बट ये जो कन्वर्जन हुआ ये हुआ किसकी वजह से है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज, ये एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से ही ये क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है टायरोसिन में। अच्छा, जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है तो अब ये क्या करता है, ये हमारा डोपामाइन इपिनेफ्रिन मेलानिन को फॉर्म करने में फुली हेल्प करता है, कौन, टायरोसिन, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, बट अगर यहां पे क्या हो जाता है, म्यूटेशन आ जाती है किसमें, इसमें, म्यूटेशन कॉज इन द फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज, अगर यहां पे हमारी म्यूटेशन कॉज हो जाती है, यहां पे अगर म्यूटेशन कॉज हो रही है, तो आपको पता है कि जब इसमें म्यूटेशन कॉज हो गई तो जो फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन है टायरोसिन में वो तो होगा ही नहीं, जब ये नहीं होगा तो इपिनेफ्रिन मेलानिन और डोपामाइन अपने इजीली से क्या नहीं करेंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, जो फिनाइल एलानिन है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, ये क्या कर देगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा ये। उसके बाद यहां पर क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस कॉज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट्स में ये भी हो सकता है कि यूरिन से जो आपका फिनाइल एलानिन जो अमाइनो एसिड्स है वो भी आपका क्या हो सकता है, एक्सक्री आउट होता है, ठीक है, यूरिन में आपका कुछ अमाउंट्स ऑफ फिनाइल एलानिन जो है वो आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि अब ये ब्लड में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये सब इसमें रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ये क्या पढ़ा हमने कि फिनाइल क्यूटेनेरिया का मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, कि फिनाइल एलानिन होता है, जो फिनाइल एलानिन हमारे एक असेंशियल अमाइनो एसिड है, जो जिसके सोर्सेज क्या है, डाइट्री प्रोटीन है और टिश्यू प्रोटीन है। अब जिसका क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है टायरोसिन में, बट सिंपल से कन्वर्जन तो होता नहीं है, किससे कन्वर्जन होगा, एंजाइम से। हम पढ़ते हैं कि अगर कहीं पर भी हमारा कोई भी एएसी वर्ड अगर आता है तो वो हमारा क्या होता है, एंजाइम, और एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक कैटलिक की तरह एक्ट करता है जो हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, फास्ट कर देता है। जब सपोज अगर इसी भी म्यूटेशन कॉज हो गया तो वो आगे हमारी कोई भी केमिकल प्रोसेस होगी नहीं, जब होगी नहीं तो म्यूटेशन कॉज हो जाएगा, म्यूटेशन कॉज होगा तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया और उसने क्या कर दिया, मेंटल रिटार्डनेस कॉज करना स्टार्ट कर दिया, और यूरिन के फॉर्म में, यूरिन में मतलब कुछ अमाउंट में हमारा फिनाइल एलानिन रिलीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे दो केस पढ़े हमने, कौन कौन से, एक तो सिकल सेल एनीमिया पढ़ा और एक हमने क्या पढ़ा, फिनाइल क्यूटेनेरिया, जो कि हमारा क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हम इसमें देखते हैं हमारा सेक्स लिंक्ड हमारा क्या होता है, जो कि हमारा हीमोफीलिया आता है और कलर ब्लाइंडनेस आता है। हीमोफीलिया क्या है हमारा, सेक्स लिंक्ड, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि जो हीमोफीलिया होता है उसमें सबसे पहले हीमोफीलिया, ये भी अभी हमने पढ़ा था कि ये सेक्स लिंक था, ठीक है, इसमें अब हम यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है किसमें, पेरेंट टू इट्स प्रोजेनी में, अपनी प्रोजेनी में,
लेकिन अगर हम हीमोफीलिया की बात करेंगे तो इसमें जो होगा अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल ट्रांसफर हो रहा है किसमें, ट्रांसफर इनटू मेल प्रोजेनी में, ये मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा। फर्स्ट टाइम जो हीमोफीलिया है वो किसमें रिकॉग्नाइज किया गया था, क्वीन विक्टोरिया ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लैंड की एक क्वीन विक्टोरिया थे उसमें उसमें रिकॉग्नाइज किया था, उसमें देखा गया था जो कि वो कैसी थी, कैरियर फीमेल थी। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि यहाँ पे सपोज जैसे इसकी जो जीनोटाइप है, इस तरीके से ये जो जीनोटाइप है ये हमारा एक्स लिंक्ड है। अगर अब इसकी हम बात करते हैं एक्स एक्स, तो हमारा ये क्या हो गया, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्स मतलब इस पे अगर हमने एक एच लगा दिया तो सपोज ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कैरियर हो जाएगा। कैसी हो जाएगी, यहाँ पे कैरियर कैरियर फीमेल। एक्स एच एक्स एच अगर यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे हमारा लीथल, ये क्या हो जाएगी इसके लिए, लीथल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब एक्स वाई सब ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पे कैरियर मेल, और यहाँ पे कैरियर मेल, यहाँ पे अब हमारा ये कैरियर भी हो सकता है, इसको हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल अगर एक्स वाई आया तो ये तो हमारा नॉर्मल मेल हो जाएगा, नॉर्मल मेल। बट यहाँ पे हमारा ये कैरियर ना होके ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमो हीमोफिलिक मेल। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कैरियर फीमेल से ट्रांसमिशन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है किसमें, मेल प्रोजेनी में। तो मेल प्रोजेनी पूरी तरीके से क्या शो करेगी, हीमोफिलिक शो करेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने रिकॉग्नाइज किया था, ये क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया में किया था, जो कि क्या थी, यहाँ पे कैरियर थी, कैरियर फीमेल थी। यहाँ पे इसके जीनोटाइप को लेकर, जीनोटाइप आप ध्यान रखना कि कौन सा हमारा नॉर्मल है, कौन सा कैरियर है, कौन सा लीथल है, लीथल मतलब यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और कौन सा हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल मेल। तो इस पे क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि सपोज अगर एक हीमोफिलिक मेल की मैरी कर दी जाए नॉर्मल फीमेल से तो क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि एक हमारा क्या है, एक हीमोफिलिक मेल है, जैसे एक्स और ये वाई, इसकी अगर यहाँ पे मैरी कर दी जाए किसके साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ, ये नॉर्मल फीमेल हो गई, तो यहाँ पे एक्स एक्स, तो इसकी जो प्रोजेनी होगी उसमें उनकी रेशियो क्या होगी, मतलब कितने परसेंट फीमेल अफेक्टेड होंगे या कैरियर होंगे या फिर मतलब नॉर्मल होंगे, क्या रेशियो होगी उनकी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स एच एक्स एक्स वाई, उसके बाद एक्स एच एक्स और एक्स वाई। अब आप देख रहे हो यहाँ पे अगर एक अफेक्टेड यानी एक हीमोफिलिक पर्सन की या मेल की हमने मैरी कराई है किसके साथ, एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो उसकी रेशियो क्या आई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारी क्या है, कैरियर है, दोनों ही कैसी हो जाएंगी हमारी, ये कैरियर हो जाएंगी, ये भी कैरियर हो जाएंगे, यानी 50% फीमेल हमारी कैरियर और जो 50% जो हमारे मेल होंगे वो हमारे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, अगर यही इसी का ही हम सपोज अगर ये भी हमारा हीमोफिलिक पर्सन है, मेल है, और यहाँ पे अगर ये कैरियर हमारी फीमेल हो गई, इसकी इनकी अगर मैरी करा दी तो उनकी प्रोजेनी क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आ गया और ये, तो आप इसमें देख रहे हो कि एक तो यानी वन यानी 25% तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है, लीथल है। ठीक है, उसके बाद एक्स की फीमेल कैसी है, फीमेल यहाँ पे कैसी होगी, कैरियर होगी। ठीक है, और एक यहाँ पे हीमोफिलिक, हीमोफिलिक क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और एक नॉर्मल मेल।
एक नॉर्मल मेल होगा और एक हीमोफिलिक मेल होगा। तो ये आपको यहाँ से इस जीनोटाइप के थ्रू ये याद रखना है कि कौन अफेक्टेड है, कौन लीथल है। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, क्रिटिकल केस हो जाएगा। ये आपकी कैरियर है, ये फिर भी चल जाएगा, बट ये पूरा क्या है हमारा हीमोफिलिक मेल। क्यों? क्योंकि हीमोफिलिक मेल की और कैरियर फीमेल के साथ मैरी कराई थी तो इनकी रेशियो ये आई। ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हीमोफीलिया पढ़ा, जिसपे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। और एक नंबर के लिए ये भी पूछ लिया जाता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड, ये एक्स लिंक्ड है ये, तो ये क्या है हमारी सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड है, ठीक है। इसके बाद अब हम एक पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में भी ट्रांसफर होता है हमारा ऑफ द किसका पेरेंट्स का इनटू द इट्स प्रोजेनी में। कलर ब्लाइंडनेस में भी क्या हो जाता है, ये भी हमारी एक्स लिंक्ड होती है या सेक्स लिंक्ड होती है, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या होता है, इसमें आर जो मतलब जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो हमारी प्रोजेनी होती है वो क्या नहीं होती, आर नॉट एबल नहीं होती टू डिस्टिंग्विशेबल रेड एंड ग्रीन, मतलब वो रेड कलर और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, उसको डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर पाती, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारा प्रोजेनी आर नॉट एबल टू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विशेबल रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर। तो इसमें भी यहाँ पे इतना ही पूछा जाता है हमारा कि एक्स लिंक्ड हो गई कौन सी होती है, ठीक है। अब इसके अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो इसका जीनोटाइप देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्स ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल फीमेल हो जाएगी, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे एक्स सी आ गया तो ये कैसी हो जाएगी, कैरियर उसके बाद यहाँ पे अगर आ गया तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल मेल और यहाँ पे कैरियर, ये कैरियर हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे नॉर्मल मेल और यहाँ पे कैरियर मेल। अब इस पे भी सेम एज न्यूमेरिकली पूछा जाता है, कैसे कि अगर सपोज कोई कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल हो गई और कैरियर मेल हो गया, कैरियर मेल हो गया, इन दोनों के आपस में मैरी करा दी तो इनकी प्रोजेनी क्या होगी। यहां पे इसका जब क्रॉस कराया जाता है तो आप देख रहे हो यहां पे क्या आएगा, इसमें आप क्या देख रहे हो यहां पे कि एक तो हमारा कलर कलर ब्लाइंडनेस क्या हो गई, हमारी फीमेल हो गई, ठीक है फीमेल। ये क्या हो गया, ये मेल है, लेकिन ये कैसा मेल है, कैरियर, कैसा मेल है, ये कैरियर मेल है। एक हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, यही क्या है हमारी कैरियर फीमेल, कैरियर क्या है फीमेल, और एक यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्मल मेल। ये हमने किसकी कराई है, दोनों कैरियर की ही कराई है, कैरियर मेल है और कैरियर ही फीमेल है। अगर सपोज हम यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस लेडी हो, फीमेल ही होगी, लेडी होगी, और नॉर्मल मेन की करा देते हैं, सपोज यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल हो गई और नॉर्मल मेल हो गया, तो उनकी रेशियो क्या बनेगी या उनकी प्रोजेनी कैसे आगे फॉर्म होगी, कितनी बनेगी। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारी कैरियर फीमेल हो गई, ये भी हमारी यहाँ पे कैरियर फीमेल हो गई, ये भी हमारी कैरियर क्या हो जाएगा मेल, और ये भी कैरियर मेल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑल आर कैरियर, 50% फीमेल कैरियर और 50% हमारे मेल कैरियर, तो कैसे भी करके वो आपको एक वो दे सकता है, रेशियो दे सकता है, मतलब आपसे किसी का भी कॉम्बिनेशन पूछ लेगा, नॉर्मल का पूछ लेगा, नॉर्मल फीमेल का पूछ लेगा इसके साथ कैरियर मेल के साथ, या फिर नॉर्मल मेल का पूछ लेगा कलर ब्लाइंडनेस के साथ, किस कैसे भी आपको पूछ सकता है। बस आपको क्या याद होना चाहिए, ये जीनोटाइप आपको याद होना चाहिए।
जो कि सिर्फ आप हमने क्या पढ़े, दो ही पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो हीमोफीलिया वाला पढ़ा था और एक हमने कलर ब्लाइंडनेस का पढ़ा था जिसपे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उससे पहले हमने ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़े थे जो कि हमने सिकल सेल पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, फिनाइलक्यूटोनेरिया। ठीक है, अब हम इसमें आगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे क्या होते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एनीप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी, जो कि हमारा वन मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है। क्या होता है एनीप्लॉयडी, मीन्स होता है फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन क्रोमेटिड, मतलब जो हमारे क्रोमेटिड, क्रोमेटिड पता है आपको कहाँ से आता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हम क्रोमेटिन थ्रेड पढ़ते हैं ना, तो वही क्रोमेटिड थ्रेड हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, क्रोमोसोम में। मतलब फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिविजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। इसी में आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा या फिर गेन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, इसी को, इसका एक एग्जांपल एनीप्लॉयडी का क्या क्या है, हमारा डाउन सिंड्रोम। अभी हम इसमें डाउन सिंड्रोम देखेंगे कि क्या है। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे देख लो पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी में क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जब डिवीजन होता है, हमने यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं, तो मियोसिस में मतलब हमारा क्या होता है, फोर डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, वेयर एज माइटोसिस में हमारा टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। जो साइटोकाइनेसिस होता है मींस डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, और कैरियोकाइनेसिस होता है हमारा डिवीजन इन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारे अभी साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, वही उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाएगी, यानी फेल हो जाएगा। फेल ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। टीलोफेज क्या है, जब हम माइटोसिस और म्यूसिस पढ़ते हैं तो प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, इस तरीके से हम कुछ इसमें फेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो टीलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट क्या आता है, इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें तो हमने पढ़ा था एनीप्लॉयडी में कि या तो गेन भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, तो वो तो हमारा डाउन सिंड्रोम आ गया। बट इसमें क्या होगा, रिजल्ट इन अ इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट। इसमें क्या होगा, होल सेट में क्रोमोसोम में चेंजमेंट आएगा ऑर्गेनिज्म में। जैसे अगर इसका एग्जांपल हमारा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें आप देखते हो कि डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम हमारा क्या होता है, ट्राइसोमी होती है इसमें हमारी, मतलब 2n+1 होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था 1866 में बाय द लैंगडॉन डाउन। लैंगडॉन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1866 में, जिसको ट्राइसोमी का नाम दिया गया था। यहाँ पे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मींस क्या होता है, यहाँ पे हमारा 2n+1। इस 2n+1 का मींस क्या है, 2n, n तो पता है हमें क्या होता है, 23। मतलब ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं इसमें हम, तो ह्यूमन बींग में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23। अब 23 × 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 46, और प्लस 1, मतलब कितने क्रोमोजोम हो गए, 47 क्रोमोजोम हो गए। आप देख रहे हो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में केवल गेन बोला उसने और लॉस, ये क्या आ गया हमारा डाउन सिंड्रोम, जो कि एनीप्लॉयडी को शो करता है। यही से हमारा दो नंबर का ये भी क्वेश्चन निकलता है कि डिफाइन द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इस डाउन सिंड्रोम में कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कि जो फेस होता है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। फेस कैसा होता है, स्मॉल फेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक हमारी कैसी हो जाएगी, स्मॉल। सिम्टम्स क्या है, नेक कैसी हो जाएगी, स्मॉल। उसके बाद पाम कैसे हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे। फॉरवर्ड आईज, मतलब आईज एकदम से बाहर निकली हुई दिखाई देने लगेंगी जिस भी पर्सन को डाउन सिंड्रोम होगा, फॉरवर्ड आईज। ठीक है, और फॉरवर्ड आईज हो गया, नेक फेस हो गया, और पाम कैसे हो गए, ब्रॉड हो गए। ये सब क्या है, ये सिम्टम्स है किसके, डाउन सिंड्रोम के। अब हम इसमें यहाँ पे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे और एक हम यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे टर्नर की बात कर लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम भी क्या है, ये एक टर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसी ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1938 में, 1938, टर्नर। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें हमारा एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, अब्सेंस हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम कैसी हो जाती है, एक्स नॉट या फिर एक्स ओ बोल सकते हैं। वेयर इज ओ इज रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। जो ओ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं,
टर्नर सिंड्रोम्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है वो मतलब फुली डेवलप नहीं हो पाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फुली डेवलप नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद ओवरी रूडिमेंट्री हो जाएगी, ओवरी रूडिमेंट्री मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे वाई क्रोमोसोम अब्सेंट हो गया, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ कैसे हो जाएंगे फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा फॉर्म होने लगे, ठीक है इस तरीके से। अब आता है आपका लास्ट एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी एक क्लिनफेल्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था क्लिनफेल्टर, ठीक है। क्लिनफेल्टर ने इसको डिस्कवर किया था 1942 में। इस ईयर याद रख लेना, वैसे नाम से ही तो साइंटिस्ट का नाम तो बहुत इजी है, डाउन है तो लैंगडन डाउन हो गया, टर्नर है तो टर्नर हो गया, क्लिनफेल्टर है तो क्लिनफेल्टर, बस आपको सन देखना है यहाँ पे किस ईयर में किया, 1866 में, 1938 में, 1942 में। जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें अभी हमने पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल भी देखा था, क्या कर रहा था ये, इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोजोम। इसमें क्या होगा, इसमें आपके 47 क्रोमोजोम हो जाएंगे, कैसे, एक्स एक्स वाई, मतलब आप देख रहे हो कि हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एक्स वाई क्रोमोजोम है वो किसका होता है, मेल का होता है, बट उस मेल के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम किसका आ गया है, फीमेल का आ गया है। तो यानी मेल के अंदर मोस्ट ऑफ किसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे इसमें, फीमेल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मतलब फेमिनाइन जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप्ड हो जाएंगे, इसका क्या, इसका सिम्टम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप्ड। मोर डेवलप्ड बोल सकते हैं, ठीक है, मोर डेवलप्ड हो जाएंगे। ये क्या था हमारा, क्लिनफेल्टर का सिम्टम्स पढ़ा हमने, बहुत इजी है इसको आप डिफरेंस करके ही पढ़ना, पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि आपका 1 मार्क्स का पूछा जाता है, एनिप्लॉयडी पूछा जाता है और पॉलीप्लॉयडी पूछा जाता है। एनिप्लॉयडी में हमने सिर्फ छोटा सा डिफरेंस देखा, क्या मतलब, चेंजमेंट हो रही है किसमें, जो जब हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है तो उसका जो हमारा क्रोमेटिड है उसमें चेंजमेंट हो गया, या तो गेन ऑफ क्रोमोसोम हो गया या लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो गया, जिसका हमने एग्जांपल देखा डाउन सिंड्रोम। उसके बाद हमने एक देखा क्लिनफेल्टर में, किसका देखा हमने, पॉलीप्लॉयडी में। पॉलीप्लॉयडी में हमने देखा कि इसमें इंक्रीज, इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ इंक्रीज होगा अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में, ठीक है, वो क्लिनफेल्टर आ गए। उसके बाद एक एक नंबर के यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, 2n+1 आपको समझ में आ गया होगा, n हमारा 23 क्रोमोसोम होता है अगर हम ह्यूमन बींग में बात करें, क्योंकि हम ये ह्यूमन बींग के ही बढ़ रहे हैं, तो 23 हमने इनटू 2 की मल्टीपल कर दी, 46 आ गया, प्लस 1 करा, 47 क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है, 47 यहां भी है, 47 यहां भी है, बट आप देख रहे हो इसके जो सेट है ना, ये हम तो एक्स 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 वाई ऐसी तो पढ़ते हैं, बट इसमें यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 हो गए, ठीक है ना, तो इसमें आ गया यहाँ पे, ठीक है, होल सेट में इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद आपने कुछ इसके सिम्टम्स देखे, साइंटिस्ट के नेम देखे और ईयर देखा, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ पे अब हमारी जेनेटिक्स फिनिश हुई है, जो कि हमने एक बहुत एक मतलब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें वो कवर करे हैं। इसमें अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में मॉल बायो पढ़ेंगे, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, वो हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।